गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब? तो आज की क्लास आपकी प्यारी सी स्माइल से स्टार्ट करते हैं। तो पहले आप एक बार दिल खोल के मुस्कुरा लो। तो दिल खोल के पहले आप मुस्कुरा लो। और हम स्टार्ट कर रहे हैं CA इंटर अकाउंट्स ग्रुप 1 फर्स्ट चैप्टर। और फर्स्ट चैप्टर जो हम स्टार्ट कर रहे हैं तो वो आपको पता ही है, वो है प्यारा सा चैप्टर जिसका नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। तो आपकी प्यारी प्यारी सी मुस्कान के साथ स्टार्ट कर रहे हैं हम इंटर अकाउंट्स ग्रुप 1 का फर्स्ट चैप्टर कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट ये जो चैप्टर है ना, ये पता है क्या है? ये जो चैप्टर है ये क्या है? ये है आपके क्या है ये है आपके अच्छे कर्मों का फल। मतलब इतना प्यारा और इतना आसान चैप्टर है ये, यानी कि हमारे इंटर अकाउंट्स में जो हमारा पहला दोस्त बन रहा है कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसके साथ दोस्ती करने में हमें बहुत ही मज़ा आएगा। और ये दोस्त हमारा बहुत ही कम शैतान है, शरीफ सा दोस्त है, प्यारा सा दोस्त है, कोई शैतानी नहीं करता ये। इसीलिए इस चैप्टर को मैं कहती हूँ ये है आपके अच्छे कर्मों का फल। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट इसको गवर्न कर रहा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। तो बताइए, ये आपका नया दोस्त है, ये नाम आपने जीवन में पहली बार सुना है, या आप इस दोस्त से पहले भी मिल चुके हो कभी कहीं कुछ साल पहले? क्या आप इस दोस्त से पहले भी मिल चुके हो? क्या आप इस दोस्त से पहले भी बातें कर चुके हो, या ये आपका नया दोस्त है? मैम हम पहले भी मिल चुके हैं। अच्छा, मैम पहले हम मिले थे पर वो तो हमें कुछ भी याद नहीं है। 12th क्लास में मैम हम इससे मिले थे। लेकिन मैम हमें इस दोस्त की कोई बात याद नहीं है। हम इससे ठीक से नहीं मिल पाए थे। भूला बिसरा सा दोस्त है ये हमारा। तो इसका मतलब आप अपने इस दोस्त से पहले भी मिले हो क्लास 12th में, तो फिर तो उम्मीद है आपको सारा चैप्टर आता होगा, क्योंकि आप तो क्लास 12th में पहले भी मिल चुके हो। मैम हमने जो पिछले हफ्ते पढ़ा है वो हमें याद नहीं रहता। आप बात कर रहे हो 12th क्लास की, तो मतलब मैं ये मान लूं कि आप सब कुछ भूल गए हो, लेकिन हाँ कुछ कुछ शब्द आपको याद होंगे। जैसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 है कैश फ्लो स्टेटमेंट। और कुछ याद आता है? कोई मेथड, कोई एक्टिविटी,
क्या क्या इस चैप्टर में पढ़ा था, क्या इस दोस्त ने कहा था। आपने कहा मैम भूला बिसरा सा है, मोस्ट डिफिकल्ट चैप्टर था मैम ये क्लास 12th का। अच्छा कनिष्क कह रहे हैं मैम देखो खास बात ये है, हमें ये पता चल जाता है हमारा आंसर करेक्ट है या नहीं। हाँ मैम हल्का हल्का याद आ रहा है कुछ, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। तो हम इस दोस्त से तो पहले भी मिले थे लेकिन यादें भूली बिसरी हो चुकी हैं, तो फिर से मिलते हैं इस दोस्त से। इसका प्यारा सा नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। जो कुछ भी हम यहाँ पढ़ेंगे वो हमें कौन बताएगा, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो कुछ चीज़ें इसके बारे में लिख रहे हैं। सबसे पहले लिखते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इसका मतलब कौन कौन सी हो जाती हैं, तो ये हो जाती हैं ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो। इट शोज इनफ्लो एंड आउटफ्लो, नेक्स्ट लाइन में लिखेंगे, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स इसके बाद दो लाइन का गैप देकर, इस पॉइंट के बाद दो लाइन का गैप देकर लिखेंगे ऑफ ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। By direct and indirect method. फिर उसके बाद नेक्स्ट लाइन में CFS शोज सोर्सेस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। एप्लीकेशंस ऑफ cash and cash equivalent and net change in cash and cash equivalents.
तो कैश फ्लो स्टेटमेंट अपने नाम से बता रही है, ये स्टेटमेंट क्या दिखाती है, कैश का फ्लो। फ्लो का मतलब दोनों चीजें, इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो। इनफ्लो को हमने कहा सोर्सेज, आउटफ्लो को हमने कहा एप्लीकेशन। ये क्या दिखा रही है, कहां से कैश आ रहा है और कहां पर कैश जा रहा है। आपके दोस्त का नाम है कैश फ्लो। फ्लो मतलब इनफ्लो एज वेल एज आउटफ्लो। तो कहां से कैश आ रहा है, कहां पे कैश जा रहा है, ये स्टेटमेंट मुझे ये दोनों चीजें बताती है। ये सिर्फ कैश की बात नहीं करती, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट की बात करती है, मतलब कैश और कैश के जैसा, कैश और कैश के इक्वल। तो हमने कहा भाई कैश के इक्वल से आपका क्या मतलब है ना, तो हमने कहा चाहे कैश इन हैंड कह लो, चाहे कैश एट बैंक कह लो, तो कैश एट बैंक को भी तो हम कैश ही बोलेंगे ना, लेकिन कैसा कैश, कैश इक्विवेलेंट। सो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, तो हम कैश इन हैंड की बात भी कर रहे हैं, हम कैश एट बैंक की बात भी कर रहे हैं। तो जो चीजें इक्विवेलेंट टू कैश है हम उसकी बात भी कर रहे हैं और हम देख रहे हैं उनका इनफ्लो और आउटफ्लो। ये जब हम इनफ्लो और आउटफ्लो देख रहे हैं, हमारे अकाउंट्स के अंदर हम लोग बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। है ना, ये तो सबको पता है, अकाउंट्स के अंदर हम लोग बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। ट्रांजैक्शंस की ही क्या होती है, रिकॉर्डिंग। कहाँ होती है, जर्नल में, जहां से हमारे अकाउंटिंग प्रोसेस की शुरुआत होती है। तो अकाउंट्स के अंदर हम बात करते हैं ट्रांजैक्शंस की। सीएफएस के अंदर लॉजिकल सी बात है, हम उन ट्रांजैक्शंस की बात कर रहे हैं जहां पर कैश का फ्लो है, चाहे वो कैश का आना है, चाहे वो कैश का जाना है। मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, मैंने इक्विटी शेयर्स इशू किए हैं, यहां पर कैश का क्या हो रहा है, कैश का हो रहा है इनफ्लो। मैंने बैंक से लोन लिया था, मैंने वो लोन वापस कर दिया, मैंने बैंक से लोन लिया था, मैंने वो लोन वापस कर दिया, क्या हो रहा है, कैश का आउटफ्लो। मैंने बिजनेस के अंदर सामान बेचा, कैश सेल्स, क्या हो रहा है, कैश का इनफ्लो। बिजनेस करते हुए मैंने सामान खरीदा, परचेजेस, कैश परचेजेस, क्या हो रहा है, कैश का आउटफ्लो। बिजनेस के अंदर मैं वो सारी ट्रांजैक्शंस सीएफएस में देख रही हूँ जिसमें या तो कैश का इनफ्लो हो रहा है या फिर कैश का आउटफ्लो, और उन सारी ट्रांजैक्शंस को, वो सारी ट्रांजैक्शंस जहां पर कैश का हो रहा है इनफ्लो या फिर आउटफ्लो, कैश आ रहा है बड़ा मजा आ रहा है, कैश जा रहा है बड़ा दुख हो रहा है, आ रहा है बड़ा मजा आ रहा है, जा रहा है बड़ा दुख हो रहा है, इस आने जाने की सारी ट्रांजैक्शंस को हमने तीन कैटेगरी में डिवाइड किया है। हम बोलेंगे वो जो ट्रांजैक्शन है, वो ट्रांजैक्शन या तो है ऑपरेटिंग, या तो है इन्वेस्टिंग, या तो है फाइनेंसिंग।
हर वो ट्रांजैक्शन जिसमें कैश का इनफ्लो है या आउटफ्लो है, उसको हमने तीन कैटेगरी में से एक में हम डिवाइड करेंगे. कौन सी तीन कैटेगरीज हमने बनाई हैं? हमने कहा कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बिजनेस को ऑपरेट करने की वजह से, या फिर मैंने कहा कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो बिजनेस में इन्वेस्ट करने की वजह से, या फिर कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो फाइनेंस करने की वजह से. तो जितनी भी ट्रांजैक्शंस हमें कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो बता रही हैं, उनको मैं डिवाइड कर रही हूँ तीन कैटेगरीज के अंदर. कौन कौन सी कैटेगरी है? ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. देखूंगी तो मैं कैश का फ्लो, कैश का आना, कैश का जाना. लेकिन पूरे बिजनेस में अगर मुझे इकट्ठे ही देखना है कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ से कैश जा रहा है, तो वो चीज़ तो मेरा कैश अकाउंट भी बता देगा मुझे. कैश अकाउंट क्या बता रहा है मुझे? कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ से पैसा जा रहा है. कैश के साथ साथ बैंक भी बताएगा, डबल कॉलम कैश बुक, ट्रिपल कॉलम कैश बुक. तो पैसे का आना और पैसे का जाना तो मेरा कैश अकाउंट भी बता रहा है. कहाँ से पैसा आ रहा है, कहाँ पे पैसा जा रहा है. लेकिन मैंने कहा थोड़ा और डिटेल एनालिसिस मुझे चाहिए कैश का. कैसा डिटेल एनालिसिस चाहिए? मैंने कहा सिर्फ कैश का आना जाना नहीं, सिर्फ कैश का आना जाना नहीं, मुझे ये बताओ ऑपरेटिंग में कैश के आने जाने का क्या हिसाब किताब है, इन्वेस्टिंग में कैश के आने जाने का क्या हिसाब किताब है, फाइनेंसिंग में कैश का कितना इनफ्लो है, कितना आउटफ्लो है. तो हमने कहा ये इतना जरूरी है जानना. स्टैंडर्ड्स ने, ICAI ने, कंपनीज एक्ट ने कहा इतना जरूरी है जानना कि ये स्टेटमेंट पार्ट बन गई है हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का. कितना जरूरी है इस बात को जानना कि कैश का फ्लो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना है. एक कंबाइंड अकाउंट तो मैं बना ही रही थी, कैश अकाउंट, पूरा ब्योरा तो ये अकाउंट मुझे दे ही रहा है, पूरे साल में कितना पैसा आया, कितना पैसा गया. पर हमने कहा नहीं भाई, जरूरी है, बहुत जरूरी है, इसको अलग अलग देखो, ऑपरेटिंग से कितना, इन्वेस्टिंग से कितना, फाइनेंसिंग से कितना. और कितना जरूरी है, कितना जरूरी है, कितनी इसकी इंपॉर्टेंस है, क्या इसकी वैल्यू है कि हमने कहा कैश फ्लो स्टेटमेंट विल बी अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स. सोचने वाली बात है भई ये इतनी जरूरी क्यों है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इतनी जरूरी है ये कि इट इज अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट. और इस स्टेटमेंट की खास बात क्या है? ये तो मुझे बता रही है इनफ्लो आउटफ्लो किस चीज का, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैसे, फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. तो ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है हमारी ये स्टेटमेंट? तो देखो, बिजनेस हम करेंगे, आपकी CA कंप्लीट हो गई है. सोचो आपकी CA कंप्लीट हो गई है. हाँ मैम, क्या सोचने को बोला आपने, इंटर क्वालिफाई हो गया, आर्टिकलशिप हो गई, फाइनल क्वालिफाई हो गया, डिग्री आपके हाथ में आ गई, कितना मजा आ रहा है. सोचो एक बार, मुस्कुरा लो कि हाँ हमारी CA कंप्लीट हो गई. अब आपने सोचा कि हम करेंगे बिजनेस, क्या CA बनने के बाद बिजनेस कर सकते हैं? कर सकते हैं.
क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट्स अच्छे बिजनेसमैन होते हैं? बहुत अच्छे बिजनेसमैन होते हैं, क्योंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट तो कहीं पर भी चले जाएं, किसी भी फील्ड में, वो वहाँ के बेस्ट बन सकते हैं अगर थोड़ा सा डेडिकेशन और हार्डवर्क के साथ काम किया जाए तो. तो भाई आपने सोचा हम करेंगे बिजनेस, तो आप जो बिजनेस कर रहे हो तो मैं उसको करने के दो तरीके बता रही हूं. आप मुझे बताना आप कैसे करोगे बिजनेस, ठीक है? बिजनेस को करने के दो तरीके आपके साथ शेयर कर रही हूं, आप मुझे बताना आपके हिसाब से आप बिजनेस को कैसे करना चाहोगे. अगर आप होते तो इन दोनों तरीकों में से आप कौन सा तरीका चूज करते? पहला तरीका, आपके पास 5 लाख रुपए हैं, आपने बिजनेस में डाल दिए, पांच लाख रुपए से बिजनेस आपने स्टार्ट किया, और आपने क्या किया, 5 लाख रुपए के गुड्स आप खरीद लाए. ट्रेडिंग बिजनेस है आपका, सामान खरीद के लाओगे और अपने पास ला करके बेचोगे. 5 लाख रुपए से आपने बिजनेस स्टार्ट किया, 5 लाख रुपए का सामान आप खरीद लाए, सारा अपनी दुकान, सारा एरिया आपने भर दिया, गुड्स ही गुड्स हैं, आप सामान खरीद लाए. अब इसमें से 2 लाख रुपए का सामान आपने 3 लाख में बेच दिया, ठीक है? नेचुरल सी बात है, प्रॉफिट पे बेचेंगे. 2 लाख रुपए का सामान आपने 3 लाख में बेच दिया, 3 लाख रुपए आपके पास आ गए. 3 लाख रुपए से आप और सामान खरीद लाए, सामान खरीद लाए आप 3 लाख रुपए से. फिर क्या किया, अब आपने 2.5 लाख का सामान 4 लाख में बेच दिया. ये आपने ट्रांजैक्शंस करी प्रिज्यूमिंग बिजनेस के अंदर और कोई खर्चा नहीं है, क्योंकि नया नया बिजनेस स्टार्ट किया ना, तो हम खुद ही करते हैं सारा काम. जब हम इनिशियली बिजनेस स्टार्ट करते हैं, शुरू शुरू में हम एम्प्लॉई रख लेंगे, दुनिया भर के खर्चे कर लेंगे, तो एंड में हमारे पास कुछ नहीं बचेगा. तो नया नया बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो एम्प्लॉयज नहीं रखते, सारा काम खुद ही कर लेते हैं, खुद ही हैंडल कर लेते हैं, तो प्रिज्यूम करते हैं और कोई खर्चा आपका नहीं हुआ. तो क्या इस समय आपके पास कैश इन हैंड है? बताओ, क्या इस समय आपके पास कुछ कैश इन हैंड है कि नहीं है? कैश इन हैंड तो है मैम, नहीं है? है, देखो आपके सामने है, ट्रांजैक्शंस आपके सामने है. बताओ क्या मेरे पास इस समय कोई कैश इन हैंड है? यस मैम है, यस कैश इन हैंड है. अच्छा कितना है बता सकते हो? कितना कैश इन हैंड है मेरे पास? अच्छा तो एक आंसर आ रहा है 7 लाख रुपए, एक आंसर आ रहा है 7.5 लाख रुपए, एक आंसर आ रहा है 4.5 लाख रुपए. देखो ये जो मेरी सेल्स हैं ये मेरी कैश सेल्स हैं, और ये जो मेरी परचेजेस हैं ये मेरी कैश परचेजेस हैं. तो मैंने सबसे पहले सामान खरीदा था 5 लाख रुपए का, फिर मैंने इसमें से 2 लाख का सामान 3 लाख में बेच दिया था,
3 लाख रुपए मेरे पास आए, फिर मैंने उस 3 लाख रुपए का सामान और खरीद लिया, उसके बाद मैंने 2.5 लाख का सामान 4 लाख रुपए में बेच दिया, तो क्या मेरे पास कैश इन हैंड है कि नहीं है? तो आपने कहा भाई है, तो कितना कैश इन हैंड है अब बता सकते हो? एक ही आंसर देना, दो दो नहीं। अच्छा आदित्य कह रहे हैं मैम 7 लाख का कैश है। अच्छा आदित्य कैसे है 7 लाख का कैश बताओ। आयुष कह रहे हैं मैम 4.5 लाख है। अच्छा कैसे है आयुष बताओ। हिमांशी, स्मृति, प्रिया, उदित, नगमा, कृतिका ये सब कह रहे हैं मैम 4 लाख है। अच्छा 4 लाख कैसे है बताओ। हाँ तो धीरे धीरे सबको बात समझ में आई कि मैम देखो यहाँ पर हमारे पास कैश इन हैंड है, जो हमने लास्ट सामान बेचा है उसे बेचकर जो हमारे पास आया है वो हमारे पास कैश इन हैंड है। तो मतलब ये जो मैंने बिजनेस किया इसमें मेरे पास कैश इन हैंड जो है बच गया, मेरे पास कुछ कैश इन हैंड है। इसी बिजनेस को करने का तरीका थोड़ा सा बदल देते हैं। मैंने कैपिटल लिया 5 लाख का, 5.5 लाख रुपए यूज करके मैंने सामान खरीद लिया। ठीक है, मैंने जितना कैपिटल मैं लेकर आई मैंने सबका सामान खरीद लिया, सारा सामान मैंने अपनी दुकान के अंदर भर लिया। उसके बाद सेम ट्रांजेक्शन की मैंने, 2 लाख का सामान मैंने बेच दिया 3 लाख में कैश सेल, 2 लाख का सामान मैंने 3 लाख रुपए में बेच दिया, मेरे पास 3 लाख रुपए आ गए। पहले मैंने क्या किया था, जितना पैसा मेरे पास आया उससे मैंने सामान और खरीद लिया। ठीक है, अब मैं सोच रही हूं कि यह सामान तो मेरा बहुत बढ़िया है, धीरे धीरे बिजनेस करेंगे, मार्केट में बहुत नाम हो जाएगा, हर पर्सन के हाथ में मेरा ही सामान होगा, धीरे धीरे हर किसी को बिजनेस से आउट कर दूंगा, धीरे धीरे मैं अपनी कंपनी खोल लूंगा। मुंगेरी लाल के सपने कि भाई धीरे 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 इतने बड़े स्केल पर मैं चला जाऊंगा। और अब आपने क्या किया, आपने सामान खरीदा 10 लाख रुपए का, बड़े सपने है ना, सामान खरीदो, हर किसी के हाथ में हमारा ही सामान हो, धीरे धीरे मार्केट से सबको हटा देंगे। 10 लाख रुपए का आपने सामान खरीदा, कैसे खरीदा, 3 लाख रुपए तो आपके अपने थे जो आपको सेल से मिले, 7 लाख का आपने ले लिया लोन, आपने लोन ले लिया, सामान आप खरीद करके ले आए, अब आपने सामान बेचा तो लोगों ने कहा भाई सामान हमें क्रेडिट पर बेच दो, तो आपने कहा ठीक है क्रेडिट पर ले जाओ, क्रेडिट पर ले जाओ। क्यों, आपने कहा भाई सबके हाथ में मेरा सामान होना चाहिए, मेरा नाम होना चाहिए मार्केट के अंदर, तो सब लोग जो है सामान ले जाओ। इस समय आपके पास कैश कितना है, इस समय कैश आपके पास हो गया है 0।
अब यूं देखें तो लगता है कि भाई ठीक है, कोई खास बात नहीं है, कैश इन हैंड यहाँ पर है, कैश इन हैंड यहाँ पर नहीं है, आ जाएगा कैश इन हैंड। आपने निल कर दिया ना, आपने कहा भाई क्रेडिट पर सेल है, डेटर्स जो है पैसा दे देंगे। क्या बिजनेस के अंदर हमें इस तरीके से काम करना चाहिए कि हमारे पास कैश इन हैंड हो ही ना, और अगर हो तो फिर कितना हो हमारे पास? बहुत ज्यादा कैश हो तो क्या वो सही है? कैश हमारे पास बिल्कुल भी ना हो तो क्या वो सही है? क्या हम अपनी सारी सेल क्रेडिट पर कर दें तो क्या सही है? क्या हम इस अप्रोच को लेकर चलें कि चलो कोई बात नहीं, डेटर्स जो है वो पेमेंट तो कर ही देंगे, एक महीने में डेढ़ महीने में पेमेंट कर देंगे, पैसा हमारे पास आ जाएगा। तो क्या हमें कैश इन हैंड रखना चाहिए, क्या हमें कैश इन हैंड नहीं रखना चाहिए, बिजनेस की कौन सी अप्रोच सही है, कैश इन हैंड हो या कैश इन हैंड ना हो, कैश इन हैंड बिल्कुल ना हो या कैश इन हैंड बहुत ज्यादा हो। तो देखो, कैश इन हैंड होना, कैश आपके पास होना, फिर वो एक ही बात है, चाहे वो कैश इन हैंड हो, चाहे वो कैश एट बैंक हो, चाहे वो कोई भी कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हो, दैट डजंट मैटर। बट द थिंग इज कि कैश इन हैंड आपके पास होना चाहिए। ये जो अप्रोच है कि हमारे पास कैश है ही नहीं, हमारे पास कैश है ही नहीं, ये जो अप्रोच है ये बिजनेस के अंदर सबसे ज्यादा खतरनाक अप्रोच है। जब आपके पास कैश नहीं होता है या फिर बहुत कम होता है, जितना रिक्वायर्ड है उतना नहीं है, कितना रिक्वायर्ड है ये तो डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस। आपका बिजनेस कैसा है, आपकी मार्केट कंडीशंस कैसी हैं, आपका बिजनेस एनवायरनमेंट कैसा है, ये तो उस पर डिपेंड करता है कि आपके पास कैश कितना रहना चाहिए। लेकिन ओवर एम्बिशियस होकर आपने बिजनेस किया, सारा का सारा पैसा आपने लगा दिया, कैश इन हैंड आपका हो गया निल, लेकिन प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट तो आप कमा रहे हो, डिफरेंट सी सिचुएशन चल रही है बिजनेस के अंदर। प्रॉफिट देखें तो प्रॉफिट तो आप कमा रहे हो, कैश इन हैंड देखें तो आपके पास है नहीं, है नहीं मतलब कुछ भी नहीं है या तो फिर बहुत थोड़ा सा है। तो क्या बिजनेसमैन को मान लेना चाहिए कि भाई आई एम रनिंग अ वेरी गुड बिजनेस बिकॉज आई एम अर्निंग प्रॉफिट, दो मेरे पास कैश इन हैंड नहीं है? तो आपके दिमाग में आ रहा है, मैम ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट हो रहा है हमें और कैश इन हैंड नहीं हो रहा? क्या ऐसा भी होता है कि प्रॉफिट हो रहा है बिजनेस के अंदर लेकिन कैश इन हैंड नहीं है? तो देखो, क्या ऐसा होता है कि नहीं? तो अब आपने बिजनेस किया, अब आपने बिजनेस करना शुरू कर दिया, आपको थोड़ी सी बात समझ में आई कि भाई देखो कैश इन हैंड हो भी सकता है, ऐसे भी बिजनेस करने की अप्रोच है कि अपने पास कैश रखो, कैश इन हैंड नहीं हो तो भी क्या है? आपने कहा हम तो लार्ज स्केल पे काम कर रहे हैं, हमने 10 लाख का सामान खरीदा, सामान हमने बेचा कैश पे ना सही क्रेडिट पर बेचा, आपने कहा आज नहीं तो कल मुझे फायदा हो जाएगा, दोनों अप्रोच है। एक बंदे ने कहा नहीं यार कैश हमेशा अपने पास रखो, जितना कैश है उससे थोड़ा खर्चा करो, थोड़ा बचा लो। एक ने कहा नहीं नहीं ज्यादा कोई बात नहीं है, महीने दो महीने की तो बात है, मेरे पास कैश आ जाएगा। तो किसी की फर्स्ट अप्रोच है, किसी की सेकेंड अप्रोच है। चार्टर्ड अकाउंटेंट एज अ फाइनेंशियल एडवाइजर वो आपको बताएगा कि सर बेस्ट अप्रोच क्या है,
एज अ चार्टेड अकाउंटेंट अब आप समझने की कोशिश कर रहे हो कि क्या है बेस्ट अप्रोच, कि बिजनेस में कैश हो तो बढ़िया है या कैश ना हो और प्रॉफिट हो तो बढ़िया है। तो किसी को लगता है फर्स्ट अप्रोच सही है, किसी को लगता है सेकंड अप्रोच सही है। तो आपको जो अप्रोच सही लगी आपने बिजनेस करना स्टार्ट किया। ठीक है, देखो ये हो प्यारे से आप, ठीक है ये हो प्यारे से आप, सीए आपकी हो गई है, आपने बिजनेस करना जो है स्टार्ट किया। बिजनेस करना स्टार्ट किया, आपने सामान खरीदा, कुछ और खर्चे हुए, आपने सामान बेचा। अब सपोज आपने सामान बेचा 10 लाख रुपए का, आपने सामान बेचा 10 लाख रुपए का, 3 लाख रुपए ये तो आपने बेचा ऑन कैश, ₹7 लाख ये आपने बेचा ऑन क्रेडिट। ठीक है, 10 लाख रुपए का आपने सामान बेच दिया, 3 लाख रुपए की आपने की कैश सेल, 7 लाख की आपने की क्रेडिट सेल। अब आपका जो खर्चा हो रहा है परचेजेस और बाकी खर्चे मिला के, सामान आपने खरीदा भी था, बिजनेस के अंदर आपने और भी खर्चे किए, आपका जो ये खर्चा हुआ परचेजेस और एक्सपेंस मिला के, सपोज ये हुआ 2,80,000 रुपए का, इतना आपका खर्चा हुआ और आपने सामान बेच दिया, सारा सामान आपने बेच दिया, देयर इज नो स्टॉक, सामान खरीदा सामान आपने बेच दिया, कमाल का बिजनेस चल रहा है आपका, कमाल का बिजनेस है। सेल की वैल्यू देखो, अब मैंने कहा कमाल का बिजनेस है तो क्या मुझे बता सकते हो इस बिजनेस में प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस? ट्रेडिंग एंड P&L अगर हम इस बिजनेस का बनाएं तो मुझे यहाँ प्रॉफिट हुआ है या फिर लॉस? और देखो सब एक ही आंसर देना, यहाँ पे गलती मत करना, सिंगल आंसर देना, प्रॉफिट हुआ या लॉस, और प्रॉफिट हुआ तो कितने का हुआ? तो आराम से देखो और बताओ प्रॉफिट हुआ या लॉस, प्रॉफिट हुआ तो कितने का प्रॉफिट हुआ? तो आंसर आ रहा है कि प्रॉफिट हुआ है 7,20,000 रुपए। अभी मेरे पास बहुत ही कम स्टूडेंट्स के आंसर्स आए हैं, मैं वेट कर रही हूँ सभी आंसर निकालें। प्रॉफिट, यशिका कह रही है मैम प्रॉफिट हुआ है 20,000 रुपए का। यशिका अपना ट्रेडिंग P&L चेक कीजिए दोबारा। वासु कह रहे हैं मैम प्रॉफिट रियलाइज्ड इन कैश इतना है। वासु जी ट्रेडिंग एंड P&L का नेट प्रॉफिट पूछ रही हूँ आपसे मैं, सिंपल, मैंने नहीं पूछा नेट प्रॉफिट रियलाइज्ड इन कैश कितना है, सिंपल पूछ रही हूँ, ट्रेडिंग एंड P&L बना दो और मुझे नेट प्रॉफिट बता दो कितना। तो सृष्टि, प्रिया, कनिका, यशिका, यशिका ने अपना आंसर करेक्ट कर दिया है और ये हमारा माउस खो गया, मिल गया। जय आयुष, हिमांशी, वासु, कनिका, सृष्टि, प्रिया, यशिका, सचिन, कनिष्क,
सबका आंसर एकदम करेक्ट है। आपने कहा मैम प्रॉफिट हो रहा है 7,20,000 रुपए का, है ना। प्रॉफिट को हम ये थोड़ा ना देखते हैं प्रॉफिट इन कैश कितना है, प्रॉफिट इन नॉन कैश, अभी तो हम देख रहे हैं भाई प्रॉफिट कितना है। तो भाई मैंने सामान बेचा, सेल्स कितनी दिखाएंगे, 10,00,000। कैश और क्रेडिट दोनों दिखाएंगे। यहां पर हमने डाले अपने एक्सपेंसेस जो है इंक्लूडिंग परचेजेस, ये खर्चे हो गए हमारे 2,80,000 के। तो अब हम देखें नेट प्रॉफिट, तो ये आ रहा है 7,20,000। अच्छा इसकी बैलेंस शीट बना सकते हो क्या? देखो अगर बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट कैसे बनेगी चेक करना। बैलेंस शीट बैलेंस शीट कैसे बनाएं? लायबिलिटी साइड पर क्या क्या आएगा, एसेट साइड पर क्या क्या आएगा। तो आपने कहा मैम नेट प्रॉफिट आएगा 7,20,000। और प्रिया ने कहा मैम डेटर्स आएंगे 10,00,000 के। प्रिया दोबारा चेक करो डेटर्स 10,00,000 के कैसे आएंगे, ये रही इंफॉर्मेशन आपके सामने। नेट प्रॉफिट आएगा 7,20,000 का, डेटर्स भाई ऐसा है आराम से चेक कर लो। ये तुम लोगों के कॉन्सेप्ट्स कैसे हिल गए हैं, सीए इंटर में हो अब, सीए इंटरमीडिएट, कह रहे हो मैम क्रेडिटर्स आएंगे 2,80,000 के। क्रेडिटर्स कैसे आ जाएंगे 2,80,000 के, एक्सपेंसेस और परचेजेस ये हमने इन कैश किया है, ये पेमेंट हमने करी है इन कैश। सेल में से 3,00,000 है कैश सेल, 7,00,000 है क्रेडिट सेल। ओहो मैम ऐसा था क्या, अब दोबारा चेक करो, अब बताओ बैलेंस शीट कैसे बन रही है। हाँ अब आपको बात समझ में आ रही है कि मैम देखो नेट प्रॉफिट तो आएगा 7,20,000 का, और हम एसेट साइड्स पर आ जाएं, एसेट साइड पर तो एक तो हमारे आएंगे डेटर्स, डेटर्स कितने के आ रहे हैं 7,00,000 के, ये है हमारी क्रेडिट सेल। तो हमने कहा भाई डेटर्स आ गए 7,00,000 के, साथ में आपने कहा मैम कैश का बैलेंस आएगा, बिल्कुल आएगा कैश का बैलेंस। कैश हमारे पास आया 3,00,000 कैश सेल से, और मैंने खर्चा किया इन कैश 2,80,000, तो 3,00,000 रुपये से हमारे पास ये कैश आया, 2,80,000 मैंने खर्चा कर दिया, तो कैश अकाउंट 20,000 रुपये। तो मेरे इस बिजनेस के अंदर सिचुएशन ये है कि मैंने नेट प्रॉफिट कमाया 7,20,000 का, और मेरे पास कैश इन हैंड है 20,000 रुपये। डिफरेंस देखो अमाउंट के अंदर, नेट प्रॉफिट कमाया मैंने 7,20,000 रुपये का, कैश इन हैंड मेरे पास है 20,000 रुपये।
अब आपने नया नया बिजनेस किया था, नेट प्रॉफिट है 7,20,000 रुपए, आप बहुत खुश, आप बहुत खुश। आपने अपनी गर्लफ्रेंड को बताया कि देखो देखो मैंने नेट प्रॉफिट कमाया 7,20,000 रुपए। आपकी गर्लफ्रेंड है साइंस स्ट्रीम से, उसने कहा 7,20,000 का तुमने प्रॉफिट कमाया, तो भाई तुम्हें तो मुझे गिफ्ट देना चाहिए। तो तुमने कहा हाँ, तुम्हारे लिए तो जान हाजिर है। उसने कहा नहीं, जान का क्या करूंगी मैं, मैंने तो एक मोबाइल फोन चूज किया हुआ है, 40,000 रुपए का मोबाइल फोन है। तुमने प्रॉफिट कमाया 7,20,000 का, मुझे ये मोबाइल फोन गिफ्ट में दे दो। अब तुम बताओ, तुम उसे मोबाइल फोन गिफ्ट में दे पाओगे या फिर अब तो तुम्हारा ब्रेकअप पक्का है। अब तुम उसे दे पाओगे क्या, तुम्हारे पास 40,000 रुपए हैं उसको देने के लिए? प्रॉफिट तुमने कमाया है 7,20,000 रुपए का, लेकिन कैश इन हैंड चल रहा है 20,000 रुपए, तो क्या तुम उसे मोबाइल फोन दे पाओगे? आपने कहा मैम नहीं, ये तो हम अब नहीं दे पाएंगे। ब्रेकअप ब्रेकअप ब्रेकअप, मैम ये तो हम बिल्कुल नहीं दे पाएंगे। और क्या आप उसे समझा पाओगे कि मेरे पास 40,000 रुपए नहीं है? बोल पाओगे मेरे पास 40,000 रुपए है ही नहीं? वो क्या बोलेगी, प्रॉफिट तुम्हारा 7,20,000 है, 7,20,000 में से तुम्हें मुझे देने के लिए 40,000 भी नहीं है? यही तुम्हारी दोस्ती, यही तुम्हारा प्यार, बीच में आ गई पैसे की दीवार। आपने कहा कैसे समझाऊं, नेट प्रॉफिट 7,20,000 है लेकिन कैश इन हैंड तो सिर्फ 20,000 ही है। यानी कि क्या बिजनेस में ऐसा होता है कि आप प्रॉफिट कमा रहे हैं लेकिन आपके पास कैश ना हो? बिल्कुल बिजनेस के अंदर ऐसा होता है। तो क्या हमें ये सोच के सैटिस्फाई रहना चाहिए कि हमारे पास प्रॉफिट है, बहुत बढ़िया बात है, कैश हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता? क्या ऐसा है? कैश हो या ना हो तो कितना फर्क पड़ता है, तो आपने देख लिया ब्रेकअप हो गया, इतना फर्क पड़ता है। बिजनेस के अंदर हम देखें, हम जो बना रहे हैं ना कैश फ्लो स्टेटमेंट, देखो इसको बनाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने तो आपको पहले ही बताया ये आपके अच्छे कर्मों का फल है, ये चैप्टर वेरी 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 इजी स्टेटमेंट, बहुत आसान है। एक्टिविटीज को डिस्टिंग्विश करो, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग फाइनेंसिंग इन्वेस्टिंग, चेक कर लो कहां से पैसा आ रहा है कहां पैसा जा रहा है, प्लस माइनस कर लो, सॉल्व कर दो, हो गया एग्जाम का क्वेश्चन खत्म। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें रियल लाइफ में बहुत बड़ी चीज बताती है कि बिजनेस के अंदर आपके कैश का फ्लो कैसा चल रहा है। अगर आपके पास कैश का फ्लो सफिशिएंट नहीं है तो ये बिजनेस के अंदर खतरनाक पोजीशन है। देखो अभी रिसेंटली अगर आपने न्यूज़ सुनी हो, कैफे कॉफी डे के ओनर, कैफे कॉफी डे के ओनर रिसेंटली इनकी डेथ हुई। डेथ कैसे हुई, ही कमिटेड सुसाइड एंड ही ऑल्सो लेफ्ट अ सुसाइड नोट जिसपे इन्होंने रीजन लिखा था कि भाई ही कैनॉट हैंडल द प्रेशर एनी मोर एंड दैट इज व्हाई ही इज एंडिंग हिज लाइफ। करोड़ों रुपयों के मालिक, करोड़ों रुपयों के मालिक, He ended his life. क्या आपको पता है इस नोट में रीजन क्या था, क्या रीजन लिखा हुआ था यहां पर कि why he ended his life? बताओ सीए के होनहार बच्चों, क्या रीजन था why he ended his life? आपने कहा मैम हम तो खतरों के खिलाड़ी देखने में बिजी हैं, हमें तो ये पता ही नहीं। रियल लाइफ में खतरों के खिलाड़ी चल रहा है,
तुम वो वाला खतरों के खिलाड़ी देख रहे हो। सुसाइड जो इस पर्सन ने करा है, तो इन्होंने अपने सुसाइड नोट में रीजन दिया, ही इज अंडर अक्यूट डेट। इतना डेट कि द बिजनेस इज नॉट एबल टू मीट। इट्स वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट क्या होती है? ऑपरेटिंग कॉस्ट है, बिजनेस को रन करने की कॉस्ट है, ऑपरेट करने की कॉस्ट है। सो अगर यू आर नॉट इवन एबल टू मीट वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट, दैट इटसेल्फ शोज देयर इज एन अक्यूट कैश क्रंच। एंड दिस पर्सन वॉज अंडर अक्यूट डेट। इतना बड़ा आपका एम्पायर है, बिजनेस एम्पायर, इतनी बड़ी आपकी चेन है, एंड स्टिल यू आर अंडर अक्यूट डेट। दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ हैविंग कैश इन हैंड। बिजनेस के अंदर कैश अगर आपके पास है, चाहे वो इन हैंड है, चाहे वो एट बैंक है, चाहे वो किसी भी 3 मंथ्स की इन्वेस्टमेंट के अंदर है, जो इन्वेस्टमेंट विद इन 3 मंथ्स आपकी मच्योर हो जाएगी, मार्केटेबल सिक्योरिटीज कह लें इसे, लिक्विड इन्वेस्टमेंट्स बोल दें, करंट इन्वेस्टमेंट्स बोल दें, जो विद इन 3 मंथ्स मच्योर हो जाती है, उसको भी हम कैश इक्विवेलेंट ही बोल देते हैं, बिकॉज इट इज एज गुड एज कैश। वो फटाफट जो है वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगी। अगर आपके पास ये इक्विवेलेंस नहीं है, कैश नहीं है, तो फिर सिचुएशन इतनी खराब हो जाती है, क्योंकि फिर आपको डेट ही लेना पड़ेगा ना। अब उधार नहीं लोगे तो क्या करोगे अगर आपके पास कैश नहीं है? तो फिर आप उधार लेते हो तो भाई उधार तो ऐसी चीज है कि लाइफ में हमेशा उधार से बचना चाहिए। उधार से जितना बच सको उतना बचना चाहिए। बिजनेस जितना खुद के लगाए पैसे से कर सको करना चाहिए। जितना आप उधार लोगे उतना ही रिस्क होगा। और फिर ये उधार की कहानी कि अल्टीमेटली फिर आपको कुछ ऐसा जो है करना पड़ जाता है, तो भाई सोचो, आप लोग आगे जाके बिजनेसमैन बनोगे, आप लोग आगे जाके एस्टैब्लिश बिजनेसमैन को एडवाइस दोगे। सीए इज अ बेस्ट फाइनेंशियल एडवाइजर। ऐसा बिजनेस किस काम का है? ऐसा बिजनेस किस काम का है? ऐसी ओवर एम्बिशियसनेस किस काम की है कि 3 लाख रुपए आए लेकिन सामान हमने 10 लाख रुपए का खरीदा? तो क्या मैम हम बिजनेस में बड़े सपने ना देखें? तो क्या हम बिजनेस को बड़ा करने की कोशिश ना करें? क्या हम बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में ना सोचें? सोचो, बिजनेस को एक्सपैंड करने के बारे में सोचो। लेकिन एक मैक्सिम हमेशा ध्यान रखो, दूसरा कदम पहले रख लो, फिर पहले कदम को उठाओ। हम चलते कैसे हैं, कभी ऑब्जर्व किया है? अभी आप लोग घर में हो ना, चल के देखो हम चलते कैसे हैं। कैसे चलते हैं हम जब दूसरा कदम आगे रखते हैं, जब हम रख लेते हैं, तब हम पहले वाला कदम उठाते हैं। क्या मैम हम करके देखें? हाँ बिल्कुल, करके देखो। फैशन वॉक, हाँ सिंपल वॉक करके देखो। दूसरे वाला पैर जब आप रख लेते हो ना, तब आप पहले वाला उठाते हो। दूसरे वाला पैर जब रख लिया जाता है ना, तब पहले वाला उठाया जाता है। मतलब अपने बिजनेस के अंदर इतना कैश हमेशा रखो कि ये जो बिजनेस एनवायरनमेंट है, ये जब अचानक से बदल जाता है, मार्केट टेंडेंसीज अचानक से बदल जाती हैं, अचानक से कोई रिसेशन आ जाता है, अचानक से बिजनेस के अंदर कोई जर्क आ जाता है, तो बिजनेस उस चीज को हैंडल कर सके। और बिजनेस
किसी रिसेशन को, किसी जर्क को, किसी मार्केट प्रेशर को, किसी बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आए हुए सडन चेंज को वो ही बिजनेस हैंडल कर सकता है जिसके पास इनफ कैश अवेलेबल है। और ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट ये हमें क्या बताती है कि आपके पास कितना कैश अवेलेबल है, प्लस ड्यूरिंग द ईयर आपका कैश कैसे कैसे फ्लो होता है। पूरे साल की समरी बना के आपकी आंखों के सामने रख देती है ये कि देखो ड्यूरिंग द ईयर यहां से पैसा आ रहा है, यहां पे पैसा जा रहा है, पूरी समरी आपके सामने है। अगर आपको लगता है कैश का फ्लो आपके पास कम है, स्टेटमेंट को देखो, समझो कैश के फ्लो को बिजनेस में कैसे बढ़ाओगे। अगर आपको लगता है कैश इन हैंड आपके पास एक्स्ट्रा है, ज्यादा ही है, तो क्या करो, उसको इन्वेस्ट कर दो। तो ना ज्यादा होना चाहिए ना कम होना चाहिए, इतना होना चाहिए कि बिजनेस आने वाले जर्क्स को, रिसेशंस को हैंडल कर सके। इतना नहीं होना चाहिए कि आपका ब्रेकअप ही हो जाए, इतना कम कैश नहीं होना चाहिए कि कस्टमर के साथ आपका ब्रेकअप हो जाए, बिजनेस आपका शटडाउन हो जाए, क्योंकि कैश क्रंच से ऐसा होता है। जिसे मैं आपको बताती हूँ, एक पहले रिलायंस की सब्सिडरी होती थी रिलायंस कम्युनिकेशन, ठीक है। और ये बात मैं आपको बता रही हूं 2011 की। रिलायंस कम्युनिकेशन, आरकॉम शॉर्ट में इसको बोलते थे। तो 2011 में इसने बैंक के पास लोन के लिए अप्लाई करा अराउंड 8,000 crores कि भाई लोन हमें चाहिए एंड द कंपनी इज इन प्रॉफिट्स, अच्छे खासे नेट प्रॉफिट्स हैं, लेकिन लोन चाहिए, रीजन कैश नहीं है। बहुत बहुत ही माइन्यूट बात है, बहुत ही ज्यादा ध्यान रखने वाली बात है। ऐसा ना हो कि हम यहां से भटक जाएं अपने रास्ते से कि भाई प्रॉफिट बहुत है, मस्त रहो। अब देखो प्रॉफिट बहुत है, कैश नहीं है, तो लोन के लिए अप्लाई किया, लोन सैंक्शन भी हुआ, लोन से बिजनेस चला भी रहे हैं, लेकिन लोन को रीपे भी करना है। अल्टीमेटली कैश क्रंच, सिर्फ कैश क्रंच और तो कोई कारण नहीं है, कंपनी इज इन प्रॉफिट, कैश क्रंच अल्टीमेटली इस लेवल पर ले आया कि 2016 में कंपनी ने सारे ऑपरेशंस अपने जो है बंद कर दिए। क्योंकि आप ऑपरेट कैसे करोगे, ये जो हमारे कैश फ्लो स्टेटमेंट में एक कैटेगरी है ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपने नाम से है, बिजनेस को ऑपरेट करने में जो फ्लोज लग रहे हैं, तो अगर आपके पास कैश नहीं है आप ऑपरेट कैसे करोगे बिजनेस। सामान खरीदना, सामान बेचना, एम्प्लॉयज की सैलरीज देना, ऑपरेशन कैसे होगा। तो अल्टीमेटली इस लेवल पर कैश क्रंच ले आया कि 2016 में इन्होंने अपने सारे ऑपरेशंस बंद कर दिए एंड अल्टीमेटली 2019 में द कंपनी फाइल्ड फॉर बैंकरप्सी, सो लिक्विडेशन एंड शटडाउन। जो ये जो कैश क्रंच का जो इश्यू है ये बहुत ही कॉमन है, इसीलिए यू शुड डू योर बिजनेस वाइजली। ओवर एम्बिशियस होकर बिजनेस को नहीं करना चाहिए, हमेशा होप फॉर द बेस्ट। सपने सजाओ, आप बड़े बड़े सपने सजाओ, सपने सजाओगे तभी तो आगे बढ़ोगे। होप फॉर द बेस्ट बट प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। तो उतना भी साथ में लेकर चलो कि अगर कुछ वर्स्ट हो जाता है तो हैंडल कर लेंगे। जैसे सपोज आप तैयारी कर रहे हो बोथ ग्रुप्स की, आपने कहा भाई अब जो अटेम्प्ट आएगा उसमें मुझे दोनों ग्रुप देने हैं, तैयारी भी कर रहे हो आप, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट सिर्फ इतनी सी बात कहता है, सिर्फ इतनी सी बात कहता है कि ये दिमाग में आपके रहना चाहिए
कि बाई चांस इफ आई एम नॉट एबल टू क्वालिफाई, इफ आई एम नॉट एबल टू क्वालिफाई, पेपर देते ही आई विल स्टार्ट प्रेपरेशन अगेन. इतनी सी चीज को रखना माइंड में जरूरी है. होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. आप दोनों ग्रुप की तैयारी कर रहे हो, दिन रात जान लगा के तैयारी कर रहे हो, नो मैटर क्वालिफाई हो जाएंगे. जिसने मेहनत करी है, काम किया है, उसको कोई रोक नहीं सकता. आपने कहा बोथ ग्रुप की नहीं, सिंगल ग्रुप की कर रहे हो, पूरी पूरी जान लगा के क्वालिफाई हो जाएगा, हो जाएगा. लेकिन प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट, साथ चलता है. बाई चांस आपको पेपर देने के बाद लगा कि यार नहीं होगा, तो अगर हमने पहले से इसकी प्रिपरेशन नहीं करी तो फिर क्या होता है, जैसी हमें लगा नहीं होगा, फिर हम धीरे धीरे डिप्रेशन में चले गए, मन खत्म हो गया, हम खुद को उठा के वापस आगे बढ़ा ही नहीं पाए. क्यों? क्योंकि हमने माइंड में वो रखा ही नहीं, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट. तो हमेशा होप फॉर द बेस्ट, बेस्ट के लिए काम करो, लेकिन ये दिमाग में रखो कि वर्स्ट सिचुएशन कभी भी आ सकती है तो क्या करेंगे. तो आपने अगर हल्का सा अपने माइंड में पहले ही रख लिया कि बाई चांस कुछ भी ऐसा हुआ कि मुझे लगा पेपर अच्छा नहीं गया, तो कोई बात नहीं, आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट माई टाइम, मैं इमीडिएटली नेक्स्ट डे से आई विल स्टार्ट माई प्रिपरेशन अगेन. यहां पे पेपर देने के लिए हमें इमोशनल स्ट्रेंथ चाहिए दोबारा देने के लिए. बिजनेस में प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट क्या है, हैव कैश इन हैंड अवेलेबल ऑलवेज. तो वो जो कैश है वो आपकी मदद करता है वर्स्ट सिचुएशन से आपको आगे निकालने में. क्योंकि अगर कैश नहीं होगा तो आपको लोन लेना पड़ेगा. लोन लेकर आप कहां तक पहुंचते हो, मैंने आपको दो एग्जांपल दे दिए. रिलायंस कम्युनिकेशन, ये तो बंद हो गई. सीसीडी का भी एग्जांपल आपके सामने है. अल्टीमेटली हमें ऐसा स्टेप लेना पड़ जाता है. इसलिए हमेशा ध्यान रखना चाहिए बिजनेस के अंदर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इतना हो, इतना हो कि हर वर्स्ट सिचुएशन को हम हैंडल कर सकें. तो आपसे कोई क्लाइंट आपका पूछे कि सर ये कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की रिक्वायरमेंट क्या है, हम तो कैश अकाउंट बना ही रहे हैं, क्या जरूरत है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की, तो एक आंसर तो आपका है सर बनानी है, बना दी हमने. कि सर इससे क्या होगा, सर वो नहीं पता, हमने बना दी. लेकिन अब आपका आंसर वो नहीं आएगा, अब आपको अच्छे से पता है कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाने की सिग्निफिकेंस क्या है. बारी बारी इस चीज को चेक करना बिजनेस के अंदर कैश कितना है, और अगर कम है तो उसको बढ़ाना कैसे है. तो हमारे पास फ्लोज, कैश के फ्लो की पूरी परफेक्ट समरी मेरे सामने होनी चाहिए कि पूरे साल में कहां से कैश आया है, कहां पे कैश गया है. मेरे सामने मेरे कैश का डेटा एकदम क्लियर होना चाहिए. मैं एक नजर डालूं सीएफएस पर, बिजनेसमैन एक नजर डाले इस स्टेटमेंट पर जिसका नाम है सीएफएस, और उसको क्लियर हो जाना चाहिए पैसा कहां से आ रहा है, कहां पे जा रहा है, और इसको कंट्रोल करने का क्या तरीका रहेगा. तो ये है हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट. तो देखो ये प्यारी सी स्टेटमेंट हमारी बनती कैसे है, इसको बनाते हैं हम, फॉर्मेट बनाते हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट का. और फॉर्मेट से पहले ये जो हम लिख रहे थे, इसमें हमने दो लाइन का गैप छोड़ा था ना, ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि कैश इक्विवेलेंट के अंदर आखिर आता क्या क्या है. तो लिखिएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट. सबसे पहले तो कैश इन हैंड,
देन बैंक बैलेंस, देन एनी बैंक बैलेंस इन फॉरेन करेंसी अकाउंट, तो बैंक बैलेंस है, भले ही वो फॉरेन करेंसी अकाउंट के अंदर खोला गया है, ये वाले अकाउंट्स खोले जाते हैं अंडर फेमा, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। तो अगर ऐसा भी कोई अकाउंट है हमारे पास, तो वो भी हमारे किसका पार्ट बनेगा, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का। लेकिन डेफिनेटली फॉरेन करेंसी में अगर अमाउंट दिया है तो हम उसे कन्वर्ट कर लेंगे हमारी इंडियन करेंसी में। कैसे कन्वर्ट करेंगे, एक्सचेंज रेट दिया होगा हमें तो हम उसको कन्वर्ट कर लेंगे अपनी इंडियन करेंसी में। ठीक है, ऐसा नहीं है हर क्वेश्चन में दिया होगा, लेकिन जस्ट इन केस अगर है तो ये वाला पोर्शन भी मेरा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, लेकिन उसको हम डेफिनेटली इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करके रुपीज का अमाउंट हम कंसिडर करेंगे। इसके अलावा मार्केटेबल सिक्योरिटीज, या फिर हम बोलें लिक्विड सिक्योरिटीज और करंट सिक्योरिटीज, या फिर शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स इन बैंक्स। और इन सभी के लिए टाइम पीरियड होता है 3 मंथ्स और लेस। तो 3 महीने तक के लिए जो हमारी इन्वेस्टमेंट्स हैं, सिक्योरिटीज हैं, बैंक के डिपॉजिट्स हैं, उन सभी को हम मान लेते हैं कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। और ये जो टाइम पीरियड है ये हमें कहाँ से मिलता है, CFS से रिलेटेड सब कुछ हमें मिलता है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 3 से। तो इसके बाद हम बनाएंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट। सबसे पहले हम लिखेंगे इन द बुक्स ऑफ, ये तो हमें पता ही है, CA फाउंडेशन से सीखते हुए आ रहे हैं हम। देन कैश फ्लो स्टेटमेंट, फॉर द ईयर एंडेड। तो जैसे ट्रेडिंग P&L फॉर द ईयर एंडेड होते हैं, वैसे ये हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी फॉर द ईयर एंडेड होती है, क्योंकि पूरे साल के फ्लोज की समरी हम यहां पर दिखा रहे हैं। इसके बाद फिर हम फॉर्मेट बनाएंगे, 3 कॉलम्स आएंगे हमारे, बेसिकली मेन हमारे 2 ही कॉलम्स हैं, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, लेकिन अमाउंट में हम 2 कॉलम लेते हैं, इनर कॉलम एज वेल एज आउटर कॉलम, तो इसलिए टोटल हमारे 3 कॉलम्स आ जाते हैं।
तो इस स्टेटमेंट में सबसे पहले फिर हम लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. ऑपरेटिंग एक्टिविटीज होती हैं बिजनेस को चलाने में जो रेगुलर एक्टिविटीज होती हैं, जैसे सेल्स, परचेजेस, इस टाइप की एक्टिविटीज. तो जैसे यहाँ पर हमने लिखा कैश रिसीव्ड फ्रॉम सेल. Cash received from debtors. Commission received. Commission, fees, royalty, ये सब operating activity मानी जाती हैं. Commission received. Then payment to employees. Payment to employees, जैसे हम salaries देंगे वो वाली payment. Payment to employees, जो भी हमारी payments हैं ये हम minus कर देंगे. Then office expenses. Payment to creditors. और जितनी हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हैं, जहां से फ्लो आ रहा है इनफ्लो है प्लस, जहां जा रहा है वो माइनस, सारा प्लस माइनस करके फिर हम निकालेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस. सारा प्लस माइनस कर दिया हमने. उसके बाद इनकम टैक्स पेड. इनकम टैक्स पेड. एंड देन नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. अभी हम लोग फॉर्मेट देख रहे हैं, फिर हम और डिटेल में देखेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. और जैसे जैसे हम क्वेश्चन करते जाएंगे वैसे वैसे हमें धीरे 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 हमारी दोस्ती होती जाएगी इस बात से कि कौन सी ऑपरेटिंग एक्टिविटी है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है. ठीक है, जनरली ऑपरेटिंग एक्टिविटी बिजनेस के ऑपरेशंस हैं, डेली के ऑपरेशंस, परचेजेस, सेल्स जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, डेटर्स से पेमेंट आना, क्रेडिटर्स को पेमेंट जाना, ऑफिस के खर्चे, एडमिनिस्ट्रेशन के खर्चे, सैलरीज की पेमेंट, इन सबको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी. और इसीलिए इनकम टैक्स की पेमेंट
इनकम टैक्स की पेमेंट को भी हम क्या बोलते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि भाई बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो तो टैक्स तो पे करोगे, बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो प्रॉफिट आ रहा है तो टैक्स आप पे करोगे, इसलिए इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। लेकिन अगर कहीं क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दे कि ये वाला टैक्स इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का पार्ट है या ये वाला टैक्स फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है, तो भाई जब स्पेसिफाई कर ही दिया तो हम भी वो ही लेंगे। लेकिन अगर कुछ नहीं लिखा, जनरली टैक्स है, तो उसको हम क्या मानते हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। तो इसको हम जनरली अलग से दिखा देते हैं, बाकी सब ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, देन इनकम टैक्स पेड एंड देन नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। फिर इसके बाद तो देखो, जैसे हमने लिखा था कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग, वैसे अब हम लिखेंगे कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट सेल या परचेज करी है तो सीधी सी बात है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी है। परचेज ऑफ कोई एसेट अगर आपने खरीदा, पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, तो कोई एसेट अगर आप खरीदते हो और बेचते हो तो वो भी होती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टमेंट की सेल परचेज, एसेट की सेल परचेज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, देन इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम। सारा प्लस माइनस करके फिर लिखेंगे नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। तो जहां पर पेमेंट्स हैं वहां पर हम अमाउंट के साथ ब्रैकेट लगा रहे हैं, माइनस है, जहां पर इनफ्लो है वो प्लस है। नेट कैश फ्लोज हम निकाल रहे हैं, अगर नेट कैश फ्लोज माइनस आते हैं यानी कि अगर आउटफ्लो ज्यादा है तो अमाउंट के साथ हम लिख देंगे माइनस, यानी कि ब्रैकेट लगा देंगे हम, और अदरवाइज फिर प्लस। तो नेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, उसके बाद देन कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। Equity shares issued हमारे shares, debentures, bank loan, ये सब पार्ट है financing activity का। तो equity shares issued, redemption of debentures,
बैंक लोन, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड, सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का फ्लो लिखकर देन नेट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज. सारी एक्टिविटीज का अलग से फ्लो शो करके फिर हमने लिखा नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंस. इसमें हम क्या करेंगे, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, अब तीनों को हम सम कर देंगे. तो अभी हमने अलग अलग निकाला है, अब तीनों को हम ऐड कर देंगे, ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग. तो ये हमारा एक अमाउंट आ जाएगा. उसके बाद इसमें ऐड करेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इन द बिगिनिंग. और ये अमाउंट आ जाएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंस एट एंड. तो जब क्लास की स्टार्टिंग में मैंने आपसे पूछा था कि आपको 12th क्लास का कुछ याद है, तो एक स्टूडेंट ने लिखा था कि इसमें हमें आंसर पता चल जाता है. तो वो यहां पर बात हो रही थी इस रेफरेंस की वजह से ये कहा था कि भाई इसमें हमें आंसर पता चल जाता है, क्योंकि अगर आपको क्वेश्चन के अंदर कैश इन हैंड और कैश एट बैंक का ओपनिंग बैलेंस गिवन है और क्लोजिंग बैलेंस गिवन है, जो कि कई क्वेश्चंस के अंदर गिवन होता है, तो उसमें फिर हमें हमारा आंसर कंफर्म हो जाता है. क्योंकि जो ये हमने निकाला है नेट इंक्रीज, इसमें हम ऐड कर देंगे ओपनिंग बैलेंस, तो रिजल्ट हमारा क्या आ जाना चाहिए, क्लोजिंग बैलेंस ऑफ कैश. तो अगर आपके पास गिवन है तो हाँ, मैं तो पहले ही कह रही हूँ अच्छे कर्मों का फल है, आपको आंसर भी कंफर्म हो जाता है कि हमारी स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट जो है हमने बनाई है. ठीक है, तो चलो फॉर्मेट हमने देख लिया है, अभी ब्रेक करते हैं और ब्रेक के बाद फिर हम देखेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग एक्टिविटी. ठीक है, तो 9:35 हुए हैं, 20 मिनट्स ब्रेक करते हैं, 9:55 पर मिलते हैं और फिर वापस कंटिन्यू करेंगे. हाँ जी, तो चलिए फिर कंटिन्यू करते हैं. और आपकी अकाउंट्स की बुक निकालेंगे, पेज नंबर 390, कैश फ्लो स्टेटमेंट. बिल्कुल लेटेस्ट बुक, 22nd एडिशन,
जो आप सबके पास पहुंच चुकी है, उस बुक का पेज नंबर 390, कैश फ्लो स्टेटमेंट। पेज नंबर 390, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3, कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसमें देखेंगे पैराग्राफ नंबर 5, कैश। कैश कंप्राइजेस कैश ऑन हैंड एंड डिमांड डिपॉजिट्स विद बैंक्स। ये बात हमें समझ में आ चुकी है। Cash equivalents are short-term, highly liquid investments that are readily convertible into known amounts of cash and which are subject to an insignificant risk of changes in value. Cash flows are inflows and outflows of cash and cash equivalents. उसके बाद देखिए paragraph number 6. पैराग्राफ नंबर 6 हेडिंग है कैश एंड कैश इक्विवेलेंस। फोर्थ लाइन देखिए, देयरफॉर एन इन्वेस्टमेंट नॉर्मली क्वालिफाइज एज अ कैश इक्विवेलेंट ओनली व्हेन इट हैज अ शॉर्ट मैच्योरिटी ऑफ से 3 months और लेस। तो जो हमने टाइम पीरियड सीखा है 3 months और लेस, ये टाइम पीरियड हमें कहाँ से मिल रहा है? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3 से। फिर इसके बाद वापस आएंगे पैराग्राफ नंबर 5.4, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। Operating activities are the principal revenue producing activities of the enterprise and other activities that are not investing or financing. तो operating activity देखने के दो तरीके, एक तरीका अगर वो investing नहीं है, financing नहीं है, तो क्या हो जाएगी? Operating। दूसरा तरीका principal revenue generating activities, यानी कि बिजनेस की मेन एक्टिविटी, बिजनेस करते समय, चलाते समय, ऑपरेशन करते समय जिन जिन चीज़ों को हम करते हैं, जो जो ट्रांजैक्शंस हम करते हैं, वो कहलाती हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देन नेक्स्ट 5.5, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। दे आर द एक्विजिशन एंड डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म एसेट्स एंड अदर इन्वेस्टमेंट्स। तो एसेट्स खरीदना बेचना, इन्वेस्टमेंट खरीदना बेचना और इनसे रिलेटेड सब कुछ। जैसे हमने इन्वेस्ट किया है, हमें इंटरेस्ट मिला है, हमें डिविडेंड मिला है अगर हमने किसी कंपनी के शेयर्स खरीदे हैं, तो जो हमने अभी फॉर्मेट में लिखा था इंटरेस्ट इनकम, डिविडेंड इनकम, तो एसेट की सेल परचेज, इन्वेस्टमेंट्स की सेल परचेज और उनसे रिलेटेड सब कुछ, ये है हमारी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। देन दी लास्ट कैटेगरी फाइनेंसिंग। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आर एक्टिविटीज दैट रिजल्ट इन चेंजेस इन द साइज एंड कॉम्पोजिशन ऑफ द ओनर्स कैपिटल इंक्लूडिंग प्रेफरेंशियल कैपिटल एंड बोरोइंग्स ऑफ द एंटरप्राइज। तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में क्या है? शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन्स, ये सारी चीज़ें फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है। तो जैसे हमने लिखा था शेयर्स, डिबेंचर्स, लोन और उससे रिलेटेड सब कुछ, इंटरेस्ट पेड, डिविडेंड पेड। तो देखो ध्यान रखना ये छोटी सी बात, इंटरेस्ट हमें मिलता है, डिविडेंड हमें मिलता है, तो किस पर मिलेगा? मेरी इन्वेस्टमेंट्स पर। सो दैट इज अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इंटरेस्ट हम देते हैं, डिविडेंड्स हम देते हैं,
तो डिविडेंड्स हम अगर दे रहे हैं तो शेयर्स हमने इशू करे हुए हैं, इंटरेस्ट अगर हम दे रहे हैं तो डिबेंचर्स हमने इशू किया या फिर हमने बैंक से लोन लिया। तो ये दोनों चीजें जब हम देते हैं तो ये किससे रिलेट करती है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी से। और जब हम लेते हैं तो ये किससे रिलेट करती है? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया व्हाट इज ऑपरेटिंग, व्हाट इज इन्वेस्टिंग, व्हाट इज फाइनेंसिंग। आगे आते हैं हम इलस्ट्रेशन नंबर 1 पर, पेज नंबर 400। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज 400। इलस्ट्रेशन नंबर 1 के अंदर बहुत सारी ट्रांजैक्शंस हैं, अपने हिसाब से सबसे पहले मार्क कीजिए कौन सी ऑपरेटिंग लग रही है, कौन सी इन्वेस्टिंग और कौन सी फाइनेंसिंग। तो पहले आप लोग मार्क कर लो, फिर मैं आपसे पूछूंगी, और जब मैं आपसे पूछूंगी तो आपके आंसर फटाफट आने चाहिए फटाफट, कि ये ऑपरेटिंग है, इन्वेस्टिंग है या फाइनेंसिंग है। तो पहले आप आराम से मार्क कर लो आपके हिसाब से कौन सी एक्टिविटी ऑपरेटिंग है, कौन सी इन्वेस्टिंग है, कौन सी फाइनेंसिंग है। और जब आप मार्क कर लो सारी एक्टिविटीज तो आप डन लिख करके जो है मैसेज सेंड कर दो, जिस जिसका होता जाए वो चैट बॉक्स में लिखते जाओ। तो कनिष्क, सचिन, सेजल, आंचल, आयुष, सार्थक, हिमांशी, आदित्य, प्रिया, तानिश, यशिका, जय, किरण, सबका आंसर आ गया है मैम, डन। तो बाकी स्टूडेंट्स का मैं वेट कर रही हूँ, सभी कंप्लीट कर लीजिए फिर डिस्कस करते हैं। हाँ जी, तो अब ऑलमोस्ट सभी का आंसर आ गया है। तो चलिए अब बताइए, सबसे पहले कैश सेल्स, कैश सेल्स हमारी कौन सी एक्टिविटी होगी? ऑपरेटिंग। यस करेक्ट, सबको समझ में आ गया, सीधी सीधी बेसिक सी बात है।
सेल करना, परचेज करना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, डेटर से पेमेंट रिसीव करना, कमीशन लेना, फीस लेना, रॉयल्टी लेना, सप्लायर्स को पे करना, वेजेस, सैलरीज, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन, ये सारा बिजनेस को रन करने का ऑपरेटिंग एक्सपेंस है. सो कैश सेल्स इज ऑपरेटिंग. ट्रेड रिसीवेबल, देखो रिसीट साइड पर लिखा है, मतलब डेटर से पेमेंट आना, मतलब मुझे डेटर से पेमेंट मिली है 175, तो ये कौन सी एक्टिविटी है? तो ऑपरेटिंग, 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 ऑपरेटिंग. करेक्ट, बिल्कुल सही समझ में आया आपको, ऑपरेटिंग. उसके बाद ट्रेड कमीशन, मुझे कमीशन मिली है 50,000 रुपये, कौन सी एक्टिविटी है? ऑपरेटिंग, 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 ऑपरेटिंग. वेरी गुड. तो जिनके ये तीनों एक्टिविटी करेक्ट थी वो क्या करेंगे? मुस्कुराएंगे कि भाई हमने तो तीनों एक्टिविटी करेक्टली पकड़ ली. फिर बताओ सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट. सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, आपने कहा मैम एक्टिविटी में ही इसका तो आंसर छुपा है, ये कौन सी एक्टिविटी है? इन्वेस्टिंग. सबका आंसर करेक्ट. लोन फ्रॉम बैंक, लोन फ्रॉम बैंक, सबको समझ में आ रहा है ये एक्टिविटी है फाइनेंसिंग. शेयर्स, डिबेंचर्स, बैंक लोन, इससे रिलेटेड सब कुछ फाइनेंसिंग. देन इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, ध्यान से सोच के बताना, रिसीट साइड पर है ना ये, इसका मतलब हमें मिला है. तो अगर हमें मिला है तो ये कौन सी एक्टिविटी होगी? सभी का आंसर सही आ रहा है, कोई तो गलती करो. नहीं मैम, आज गलती नहीं करेंगे हम. सबका आंसर बिल्कुल सही है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. वेरी गुड. तो जहां इंटरेस्ट और डिविडेंड इनकम है, जहां मैंने रिसीव किया है, वहां पर दैट इज माय इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. फिर देखो कैश परचेजेस, ट्रेड पेबल्स, ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस एंड इनकम टैक्स. क्या इन चारों को ही मैं कह सकती हूं सभी का आंसर करेक्ट है? ये चारों ही क्या है? ऑपरेटिंग एक्टिविटी. इनकम टैक्स के बारे में हमने क्या सीखा? कुछ नहीं लिखा है तो ऑपरेटिंग, अगर कुछ लिखा होगा कि इन्वेस्टिंग से रिलेट करेगा तो वहां ले जाएंगे, फाइनेंसिंग से रिलेट करेगा तो वहां ले जाएंगे, कुछ नहीं लिखा तो फिर ऑपरेटिंग. उसके बाद इन्वेस्टमेंट, तो ये तो अपने नाम से ही बता रहा है कि ये कौन सी एक्टिविटी है, इन्वेस्टिंग. सबका आंसर करेक्ट है. उसके बाद रीपेमेंट ऑफ लोन, तो ये भी सबको समझ में आया, फाइनेंसिंग है. लोन लेना, रीपे करना. डिबेंचर्स इश्यू करना, रिडीम करना. प्रेफरेंस शेयर्स इश्यू करना, रिडीम करना. इक्विटी शेयर्स इश्यू करना, ये सारी की सारी फाइनेंसिंग एक्टिविटी. फिर देखो ध्यान से सोच के बताना, गलती मत करना. इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन, किसी ने भी गलती नहीं करी. सबका आंसर करेक्ट है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी. तो मतलब क्या है? अगर लोन फाइनेंसिंग है तो लोन से रिलेटेड सब कुछ फाइनेंसिंग है. ठीक है, जैसे देखो डिबेंचर को इश्यू करना फाइनेंसिंग है, डिबेंचर को रिडीम करना फाइनेंसिंग है. तो मुझे ये सोच के बताओ डिबेंचर इंटरेस्ट की पेमेंट क्या हो जाएगी? इश्यू ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग है, रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर फाइनेंसिंग है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट भी क्या हो जाएगा? तो डिबेंचर इंटरेस्ट भी क्या होगा? फाइनेंसिंग. तो मतलब उससे रिलेटेड सब कुछ भी उसी एक्टिविटी का पार्ट बनेगा. तो अगर बैंक लोन फाइनेंसिंग है तो उस लोन पर जो मैंने इंटरेस्ट दिया वो भी क्या हो जाएगा? फाइनेंसिंग. तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर 1 में तो हमें बिल्कुल क्लियर है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. किसी को कहीं कोई डाउट किसी एक्टिविटी में,
कि ये एक्टिविटी इसका पार्ट क्यों है, या फिर इसका होना चाहिए, या कोई एक्टिविटी आपको समझ में नहीं आई हो, तो नो डाउट, ऑल क्लियर। तो ठीक है, ऐसे ही हम धीरे धीरे क्वेश्चंस करेंगे, चेक करेंगे ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, और धीरे धीरे हमारी दोस्ती होती जाएगी कि कौन सा ऑपरेटिंग है, कौन सा इन्वेस्टिंग और कौन सा फाइनेंसिंग। ठीक है, तो अब हमें ये तो समझ में आ गया कौन सी एक्टिविटी कौन सी है, तो अब बनाते हैं हम हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट। इलस्ट्रेशन नंबर 1 आपसे क्या कह रहा है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग डायरेक्ट मेथड। तो वैसे तो मेथड की बात मैं आपसे और थोड़ी देर में डिटेल में करूंगी, हमने स्टार्टिंग में लिखा था ना। यहां पे हमने लिखा था ना डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड, तो ये दोनों क्या है ये अभी डिटेल में बात करूंगी मैं, लेकिन तब तक ये जो फॉर्मेट हमने बनाया है ना, जो आपको बिल्कुल समझ में आ रहा है, सीधा साधा सिस्टम है, कैश का इनफ्लो कैश का आउटफ्लो हमने लिख लिया, इस चीज को हम बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो ये जो फॉर्मेट हमने बनाया है इसको बोलते हैं डायरेक्ट मेथड। तो क्वेश्चन कह रहा है यूजिंग डायरेक्ट मेथड, इसका मतलब ये जो फॉर्मेट हमने बनाया है इसी फॉर्मेट में हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है। तो फॉर्मेट आपके पास है, बनाना स्टार्ट करो, मैं भी बना रही हूँ, साथ साथ टैली कर लेना। तो मुझे तो उम्मीद है आप मुझसे पहले ही बना लोगे, तो मुझे उम्मीद है आप लोग मुझसे पहले बनाओगे CFS। देखो मेरी उम्मीद सही है या गलत। इसमें ना हमेशा बेटर ये रहता है कि आप सबसे पहले क्लासिफिकेशन कर लो, ऑपरेटिंग कौन सी है, इन्वेस्टिंग कौन सी है, फाइनेंसिंग कौन सी है, तो उससे फिर क्या होगा, स्पेस नहीं छोड़ना पड़ेगा आपको। तो जैसे इस क्वेश्चन में हमने कर लिया, तो अब हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग लिखा, अब सारी ऑपरेटिंग लिख देते हैं और फिर आएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग पर। तो तानिश का आंसर आया है कि मैम मैंने CFS बना लिया है। ठीक है, तो तानिश आपने जो CFS बनाया है उसकी पिक क्लिक करके आप मेरे WhatsApp नंबर पे सेंड करो।
और आप देखोगे इसमें हमें जो लिखना है वो बहुत आसान है, बस जहाँ से पैसा आया वो लिख दिया, जहाँ पेमेंट करी वो हमने लिख दिया, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब जैसे ऑफिस एंड सेलिंग लिखेंगे तो पेमेंट फॉर ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस, या फिर सिंपली ऑफिस एंड सेलिंग एक्सपेंसेस पेड। फिर इनकम टैक्स लिखने से पहले हम निकालेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस। तो कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस देखो कितना आ रहा है, तो आपने आंसर दिया है 13,000। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस 13,000 पॉजिटिव, देन इनकम टैक्स पेड 30,000, सो नेट कैश फ्लोस फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 17,000। सेजल पूछ रही है कि मैम ये नेगेटिव वैल्यू आ रही है तो क्या ये यूज्ड वर्ड नहीं? सेजल यहाँ पर हम कहेंगे यानी कि नेट हमारा कैश का आउटफ्लो हो रहा है ना। नेगेटिव वैल्यू का मतलब है पेमेंट्स ज़्यादा हो रही हैं, रिसीट कम है, तो ये जो नेगेटिव है ये हमें क्या दिखा रहा है? नेट कैश का आउटफ्लो है इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़।
फिर देखें इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश फ्लोज, सेजल ने ओके कर दिया है, डाउट क्लियर. और इन्वेस्टिंग एक्टिविटी आप मुझे बता रहे हो 6,000. 6,000 यानी कि ये हमारे पास इनफ्लो है फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. एंड देन लास्ट फाइनेंसिंग. फाइनेंसिंग एक्टिविटी, उम्मीद करती हूँ आप आंसर मुझसे पहले निकालोगे. तो आंसर आपने निकाल लिया है 15,000. तो नेट कैश फ्लोज फाइनेंसिंग एक्टिविटी से 15,000. ठीक है, तो अब आपको पता है अब क्या करना है. अब इन तीनों को हमें प्लस माइनस कर देना है, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग. और हमने लिखा नेट इंक्रीज इन, अब यहां पर हम लिख देंगे कैश, क्योंकि कोई कैश इक्विवेलेंट है नहीं क्वेश्चन के अंदर, तो इसलिए नेट इंक्रीज इन कैश. तो देखो कितना आ रहा है, आप बता रहे हो 4,000 नेट इंक्रीज इन कैश. 4,000. फिर हम करेंगे ऐड ओपनिंग कैश. ओपनिंग कैश हमारे कैश अकाउंट से हमें मिल रहा है 1,00,000. और ये ऐड करके हमने आंसर निकाला 1,04,000. तो देखो चेक कर लो क्या क्लोजिंग बैलेंस यही आ रहा है, यही आ रहा है, तो यानी कि हमारा आंसर करेक्ट है, क्लोजिंग कैश. क्लोजिंग कैश 1,04,000. तो देखो ये है हमारी सिंपल सी प्यारी सी कैश फ्लो स्टेटमेंट. फर्स्ट क्वेश्चन हमने किया है, अब आप आराम से देख लो. पूरे चैप्टर में क्या करना है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है. स्टेटमेंट आपके सामने है. दोस्ती कर रहे हैं हम अपने इस दोस्त से, सीए फाउंडेशन से. आपको पता है दोस्त आपका शैतान है, कहीं ज़्यादा शैतानी कहीं कम शैतानी. तो सिर्फ आपको हर क्वेश्चन में क्या चेक करना है, कौन सी एक्टिविटी है, उसके बाद प्लस माइनस करने में तो कोई दिक्कत है ही नहीं. तो इसलिए ये चैप्टर तो आपके अच्छे और प्यारे कर्मों का फल है. तो देखो आराम से इलस्ट्रेशन नंबर 1 देखो, कोई डाउट है तो क्लियर करो, अदरवाइज इलस्ट्रेशन नंबर 2 पर चलेंगे. और सबसे पहले मार्क करेंगे कौन सी एक्टिविटी इन्वेस्टिंग है, ऑपरेटिंग है और फाइनेंसिंग है.
तो प्रिया ने कह दिया है नो डाउट, तो नो डाउट नो डाउट सबने कर दिया है। उसके बाद मैंने जो आंसर व्हाट्सएप करने को कहा था, मानव ने मुझे व्हाट्सएप किया है और यहाँ पर नाम आ रहा है तानिश, ये क्या चक्कर है भाई? अब देखो आपने सबसे पहले आंसर कंप्लीट किया था, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि आप उसको सेंड करो, और इसीलिए देखो जल्दी नहीं करनी है। सीए इंटर में है हम, मार्क्स लेना आसान भी है, मार्क्स लेना मुश्किल भी है। अब आपने सबसे पहली लाइन में लिखा कैश फ्लो स्टेटमेंट एज ऑन, गड़बड़ हो गई ना। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? फॉर द ईयर एंडेड। तो अब मैं आगे तो देख ही नहीं रही, तो हमें बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं करनी है, और जब पहले कंप्लीट हो जाए तो बारी बारी हमें चेक करना है कि हमसे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। तो ध्यान रखो कैश फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड। लेकिन ये बहुत अच्छा है, आपने क्लास में मिस्टेक कर दी ना, अब पेपर में बिल्कुल नहीं करोगे। हाँ जी, तो देखो सेकंड इलस्ट्रेशन एक बार चेक कर लें, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग। अगर आपने मार्क कर लिया है तो आप डन लिखकर मैसेज कर दो। हाँ जी, तो देखो सबसे पहले रिसीट फ्रॉम कस्टमर, रिसीट फ्रॉम कस्टमर ये तो हम सबको पता है, आसान है, ये हो गई है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। उसके बाद इशू ऑफ शेयर्स, ये भी हमें पता है, ये हो गई है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, करेक्ट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। फिर पेमेंट साइड पर आ जाएं, पेमेंट टू सप्लायर्स, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट फॉर परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पेमेंट फॉर ओवरहेड्स, ऑपरेटिंग, करेक्ट। पेमेंट फॉर ओवरहेड्स इज ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ओवरहेड्स हमने पढ़ा था ना सीए फाउंडेशन में, क्या होता है ओवरहेड्स का मतलब? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का सम। तो ये तो एक्सपेंसेस ही है ना हमारे, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ वेजेस एंड सैलरीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ टैक्स, कुछ नहीं लिखा तो क्या मानेंगे? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पेमेंट ऑफ डिविडेंड, बताइए पेमेंट ऑफ डिविडेंड। फाइनेंसिंग, करेक्ट। पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज फाइनेंसिंग एक्टिविटी। रीपेमेंट ऑफ बैंक लोन अगेन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है हमें, जल्दी से बना लो। प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट ऑफ दिस कंपनी हिल्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2020 इन अकॉर्डेंस विद अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 3। द कंपनी डज नॉट हैव एनी कैश इक्विवेलेंस। तो जल्दी से स्टेटमेंट बना लो, और जब आपकी कंप्लीट हो जाए तो मुझे आप मैसेज करो कि स्टेटमेंट कंप्लीटेड। सचिन कह रहे हैं मैम कंप्लीटेड। सचिन आपने इतनी जल्दी कंप्लीट भी कर ली? सच्ची सच्ची बताओ, धरती माता की कसम अभी अभी बनाई है?
खुद से बनाई है। तो ठीक है सचिन, आप मुझे व्हाट्सएप करो अपनी स्टेटमेंट, फिर से चेक करने के बाद व्हाट्सएप करना, पहले चेक कर लो दोबारा। और देखिए प्लीज डायरेक्टली मुझे कोई व्हाट्सएप नहीं करेगा, आप मैसेज करोगे डन, फिर अगर मैं बोलूंगी तो आप पिक सेंड करना। पिक प्लीज जब आप सेंड करें तो सीधी पिक क्लिक करके सेंड करें और कंप्लीट पिक सेंड करें, हाफ नहीं। उसके बाद रिंकू और प्रिया दोनों ने कंप्लीट कर लिया है स्टेटमेंट। तो ठीक है आप भी पिक्स क्लिक करके सेंड करो, पिक्स प्लीज सीधा क्लिक कीजिए और फिर सेंड कीजिए। सचिन आपकी पिक टेढ़ी आई है, आप भी प्लीज उसे स्ट्रेट क्लिक करके फिर सेंड करो। तो देखो कुछ स्टूडेंट्स लिख रहे हैं नेट कैश यूज्ड, नेट कैश यूज्ड मत लिखिए, हम नेट कैश फ्लोज ही लिखेंगे। नेट कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग और इन्वेस्टिंग। और अभी तो जो पिक्स मेरे पास आई हैं, अभी तो आपने पेपर प्रेजेंटेशन नहीं करी है क्योंकि आई ए लिखा हुआ है, एफ ए लिखा हुआ है, पेपर में हम ऐसे नहीं लिख सकते, फुल फुल हमें लिखना है शब्द, रिसीव्ड को भी हमने शॉर्ट में लिखा हुआ है। तो कोई बात नहीं, पहला पहला क्वेश्चन था, फिर आगे से ध्यान रखेंगे। तो अब तक काफ़ी स्टूडेंट्स ने कंप्लीट कर लिया है, तो देखिए प्लीज़ आंसर चेक कीजिए। इलस्ट्रेशन नंबर टू, और अभी जो आपने मुझे पिक्स भेजी है इसमें भी दो स्टूडेंट्स ने ऐसे किया है इन द बुक्स ऑफ डैश डैश डैश। तो देखो इलस्ट्रेशन नंबर टू में तो नाम है ना,
कंपनी हिल्स लिमिटेड, तो इसमें तो हम क्या करेंगे, इन द बुक्स ऑफ हिल्स लिमिटेड, है ना, तो ऐसे डैश डैश नहीं करना. इन द बुक्स ऑफ हिल्स लिमिटेड सी एफ एस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 20, चेक कीजिए कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, देखिए 3,09,000, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए. तो कैश फ्लोज फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज 3,09,000. फिर देखिए कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग 1,02,000, कहीं भी डाउट हो तो पूछ लीजिए. वैसे आपने कहा मैम कोई डाउट नहीं है, ये तो हमारा दोस्त बन चुका है चैप्टर. इन्वेस्टिंग के बाद फिर देखिए फाइनेंसिंग. वैसे भी जब हमारे पास आंसर गिवन होता है तो हम निकाल ही लेते हैं, ये हमारा नेचुरल टैलेंट है कि आंसर गिवन है तो हम वहाँ तक पहुँच ही जाएंगे, और एक अलग सा कॉन्फिडेंस भी रहता है कि आंसर गिवन है तो पता है हमारी स्टेटमेंट करेक्ट है. ठीक है, देखिए क्लियर है, कोई डाउट हो तो आप पूछ लीजिए. क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, ऑल क्लियर है. ऑल क्लियर मतलब जो समझ में आ गया वो ना, तुम्हारा ऑल क्लियर वो भी होता है ना, कुछ समझ में नहीं आया. क्लियर है तो चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 4, इलस्ट्रेशन 4, इसमें अब हम पहले डिस्कस नहीं करेंगे ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग. इसमें अब आप अपने हिसाब से मार्क कर लो कौन सी एक्टिविटी कौन सी है, और फिर आप CFS बना लो, और जब कंप्लीट हो जाए एग्जामिनेशन पैटर्न पे, नो शॉर्ट फॉर्म्स, जब आप कर लो कंप्लीट तो आप मैसेज करना कि इलस्ट्रेशन 4 डन. ठीक है, अब ध्यान से करना, अब हम पहले डिस्कस नहीं करेंगे कौन सी एक्टिविटी है, आप देखो कौन सी एक्टिविटी आपको लग रही है.
अगर कहीं डाउट आए क्वेश्चन सॉल्व करते हुए तो आप साथ साथ पूछ सकते हो। क्या मैम अगर हम यूज्ड लिखेंगे तो गलत होगा? नहीं नहीं गलत नहीं होगा, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप यूज्ड पे लिखते हो गलत नहीं होगा, या तो आप फ्लो लिख लो सब में, या फिर आप ऐसे कर लो, जहाँ पर यूज्ड है वहाँ यूज्ड लिख लो, और जहाँ पर फ्लो है वहाँ पर आप जनरेटेड लिख लो। फिर आप ऐसे कर लो, तो आप ऐसे भी कर सकते हो, तो आपका क्वेश्चन कोई गलत नहीं होगा। तो या तो वैसे ही हमने एक वर्ड यूज़ कर लिया, नेट कैश फ्लोज यूज़ कर लिया, नहीं तो फिर आप ऐसे करो, जहाँ पे नेगेटिव आ रहा है वहाँ पे नेट कैश यूज्ड हो गया, और जहाँ पे पॉजिटिव आ रहा है वहाँ पर कैश आपका जनरेटेड हो गया। तो ऐसे भी कर सकते हो, गलत बिल्कुल नहीं होगा। तो अभी सिर्फ 3 स्टूडेंट्स ने कहा है, इलस्ट्रेशन नंबर 4 हो गई है हमारी। तो ये एक बार फिर से देख लीजिएगा, अगर आप यूज्ड शब्द भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा। आप चाहे फ्लो यूज कर लो, चाहे आप यूज्ड और जनरेटेड यूज कर लो, गलत नहीं होगा क्वेश्चन आपका। आप ये शब्द भी लिख सकते हो। तो काफ़ी स्टूडेंट्स ने अब ओके कर दिया है कि डन है हमारा क्वेश्चन। देख लीजिए इलस्ट्रेशन नंबर 4, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी 250। देखिए प्लीज़ चेक कर लीजिए, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, वैसे बहुत आसान है, कोई डाउट नहीं होगा। तो कनिष्क और आदिति दोनों ने ओके कर दिया है, देख लीजिए। और भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक
ठीक है, तो सारे डाउट्स जो हैं हो गए हैं। इलस्ट्रेशन 4 में भी कोई डाउट नहीं है। तो आज हमने अपने चैप्टर से दोस्ती की तरफ पहला कदम बढ़ाया है। अभी तक तो एकदम इजी इजी सा लग रहा है, बिल्कुल आसान सा चैप्टर है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट। ओके, थैंक यू सो मच, फिर मिलेंगे थर्सडे को। थैंक यू सो मच एंड कीप स्माइलिंग। हैव अ गुड डे।